हेलो दोस्तों, ये हो रहा है शाम का वक्त, तो सोचा आप लोगों के साथ शाम में जो मैं अपना एक मोस्ट फेवरेट इवनिंग स्नैक्स बनाती हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो स्नैक्स है ये बनेगा मूंगफली और पोहा, और पोहा जिसको कि हम चूड़ा कहते हैं, और ये सभी के घरों में मोस्टली बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और ये मैंने जरा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ये आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं और सरसों तेल में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट बनके ये तैयार हो जाता है। तो ये रिफाइंड अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम मूंगफली डाल देंगे। ये जो नाश्ता है इसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम छोटे थे तो जब हम सब लोग खाते थे तो पहले हम लोग चूड़ा खा लेते थे और मूंगफली को जो है वो धीरे धीरे एक एक करके एंजॉय करते हुए खाते थे, बहुत मज़ा आता था। तो ये देखिए मूंगफली लाल हो गई है और इसको मैंने निकाल लिया, और जब निकालने के बाद मैंने पूरे तेल को कढ़ाई से चिकना कर दिया है ताकि जो चूड़ा है, ताकि जो पोहा है वो चिपके नहीं। और ये देखिए मैंने पोहा भी डाल दिया है। अब इस पोहे को लगातार चलाना है जब तक कि इसके सारे के सारे दाने क्रिस्पी नहीं हो जाते। कम तेल में ये बनता है तो टाइम लगेगा, ऐसे तो आप ज़्यादा तेल में पोहा डाल के छान के निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसको धीमी आंच पे लगातार चलाते रहेंगे ताकि एक एक दाना चूड़े का अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि चूड़ा मूंगफली को आप बना के डब्बे में रख लीजिए और उसके बाद जब मन करे तब आप प्याज टमाटर के साथ मिला के इसको खा सकते हैं। तो देखिए मैंने अब इसमें नमक डाल दिया है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इसमें मूंगफली भी डाल दी है। तो ये इस तरीके से चूड़ा मूंगफली बन के दिखता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको अलग से डब्बे में डाल सकते हैं, जब मन करे प्याज और हरी मिर्च मिला के धनिया पत्ता डाल के खा सकते हैं, या आपको तुरंत खाना हो तो आप इस तरीके से खा सकते हैं। ये नाश्ता मेरे पापा का बहुत फेवरेट था, रोज शाम में वो एक प्लेट चूड़ा मूंगफली जरूर से खाते थे और हम लोग भी संडे संडे को खाते थे। तो ये देखिए मेरा बन गया टेस्टी चूड़ा मूंगफली इवनिंग स्नैक्स। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आती है या आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।